बालाघाट में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने महंगाई का पुतला जलाते हुए रैली निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश भर में लगातार बढ़ती हुई महंगाई से आम जनता परेशान है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष श्याम पंजवानी की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि खाद्य तेल, डीजल, पेट्रोल के बाद अब रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। 2 माह के भीतर रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। आम जनता को भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार बुरे दिन दिखा रही है। कांग्रेस ने कहा कि यदि महंगाई पर जल्द अंकुश न लगाया गया तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और भाजपा की सरकार को सबक सिखाएगी। ये भी आप बताएं, आज किन किन मुद्दों को लेकर आप पुतला दहन का कार्यक्रम? देखिए, जिस प्रकार से देश में झूठ बोलकर सरकारों का गठन किया गया, सरकार बनने के बाद जिन व्यापारियों और उद्योगपतियों ने उनके पैसे की फंडिंग की और मीडिया को मैनेजमेंट कर इस सरकार का गठन किया गया, ऐसे अडानी और अंबानी के लिए यह जो सरकार है उनके लिए प्रतिबद्ध है। उनके लिए नीतियों का गठन किया जा रहा है और ऐसी नीतियां बना रही है जिसमें आम जन मानस की थाली को खाली किया करने का काम किया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से देश में चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो और अभी तो खाद्य सामग्री के साथ साथ जिस प्रकार से गैस में लगभग 100 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी हुई, डीजल और पेट्रोल 150 के आसपास पहुंच गए हैं और यह अंधी बहरी और गूंगी सरकार अपने कान, मुंह और नाक पर पट्टी बांध कर रखी हुई है, उसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी या संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित पूरे राष्ट्र में इन आताताइयों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम को आयोजित करने का हमारा मकसद है कि आम जनता के हित की लड़ाई लड़कर कांग्रेस उनको वापस वही सुहाने सुनहरे दिनों की हम लोग याद कराना चाहते हैं कि किस प्रकार से 60-70 में खाने का तेल, 60-70 में डीजल पेट्रोल का था। लेकिन यह गवर्नमेंट जो है केवल और केवल केवल रेट बढ़ाकर अदानी और अंबानी को किस प्रकार से फायदा पहुंचा उसकी व्यवस्था कर रही है या लोगों का ध्यान मुद्दा हटाना चाह रही है। आम सांप्रदायिक दंगे फैलाकर चाहे वो आदिवासियों पर हमला कराकर आदिवासियों को खूने कत्ले कराने के बाद इनके जो सांप्रदायिक दल हैं, छोटे छोटे शाखाएं, उनके माध्यम से ये पूरे देश में अराजकता फैलाकर महंगाई के मुद्दे से ध्यान बटाना चाह रही है। उसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है और पूरे देश में इन आताताइयों को हटाने के लिए हम लगातार इस प्रकार का विरोध। बालाघाट से रितेश सोनी की रिपोर्ट।